न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त जीडीए अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई लोहिया इनक्लेव के आवंटन की बैठक, 10 सूत्रीय मांगों पर भी चर्चा। मंडलायुक्त ने कहा एनजीटी के निर्णय आने के बाद जल्द मिलेगा उनको आवास। जिले के सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम और एसएसपी ने सुनी खजनी थाने पर फरियादियों की फरियाद, आए मामलों को मौके पर किया गया निस्तारित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न विकास कार्यों के मासिक समीक्षा बैठक, कहा स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, निर्माण कार्यों को भी गुणवत्ता पूर्वक करें पूरा। 1 नवंबर से शुरू होगा धान का खरीद, संभागीय खाद नियंत्रक राममूर्ति पांडे ने कहा किसान करा लें अपना पंजीकरण ताकि बिचौलिए ना उठा पाए फायदा। ऑनलाइन IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण में जिला गोरखपुर जनपद को प्रथम स्थान, SSP ने कहा समय से शिकायतों के निस्तारण से हासिल हुआ है प्रथम स्थान। महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामदत्तपुर में आयोजित हुआ अनुच्छेद 370 अखंड भारत की संकल्पना विषय पर व्याख्यान, वक्ताओं ने कहा धारा 370 का हटना है देश में नया सूरज उगने के समान। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेरणा ऐप दीक्षा ऐप के संबंध में आयोजित हुई कार्यशाला, दी गई सभी ABSA को ऐप संबंधित जानकारी। समाजवादी पार्टी द्वारा माह के पहले शनिवार को आयोजित की गई मासिक बैठक, पार्टी के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए दिया गया जोर। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ समापन, जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 हटने को लेकर हुई परिचर्चा। महानगर में चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं भक्त पूजा के पंडालों में। रस्म चौकी घोड़े बैंड और आलम के साथ निकाला गया 7वीं मोहर्रम का जुलूस, याद किए गए इमाम हुसैन। और गीता वाटिका में मना राधा जन्माष्टमी महोत्सव, किया गया दधि कर्द महोत्सव का आयोजन, श्रद्धालुओं ने खेली दधि कीच की होली, हर तरफ गूंजा राधे राधे।